हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। तो टाइटल और थंबनेल देख आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग एक सोलर पावर बैंक बनाने वाले हैं जो धूप से चार्ज हो जाएगा, और आपको पावर बैंक को चार्ज करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ बैटरी का कैप है, तो इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। तो देख सकते हो हमने सारे जो बैटरी के कनेक्टर है इसको कनेक्ट कर दिया। तो और पावर बैंक को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट का हमने यूज़ किया उस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से देख सकते हो कि कौन सा चीज़ का कितना रेट प्राइस है। तो देख सकते हो हमने पैरेलल में सारे बैटरी को जोड़ दिया है। इस साइड सारे नेगेटिव है और इस साइड सारे पॉजिटिव है। तो अब बैटरी को सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने वायर सोल्डरिंग कर दिया। उसके बाद एक टेप लेके सोल्डरिंग के ऊपर टिप कर देंगे ताकि ये जो सोल्डरिंग है निकल ना जाए। उसके बाद हम एक सोलर पैनल लेंगे इस तरीके का, और इसके पीछे ग्लू लगा के देख सकते हैं इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। और उसके बाद ये जो सोलर पैनल है इसको हम ये बैटरी के ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद एक डीसी टू डीसी बूस्ट मॉड्यूल लेंगे 5 वोल्ट का, देख सकते हैं इस तरीके का, और उसको इधर हम ग्लू लगाएंगे उसके पीछे, और इसको भी चिपका देंगे इधर साइड में। तो उसके बाद एक पीवीसी शीट लेंगे और उसके ऊपर ये ग्लू लगा देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो इस तरीके से ग्लू लगा के ये जो बैटरी पैक है इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम सोलर पैनल के वायर को बूस्ट मॉड्यूल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इधर नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है उसके साथ हम पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं हमने पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। उसके बाद एक पावर बैंक मॉड्यूल लेंगे और उसको भी सोल्डरिंग कर देंगे। बैटरी के जो माइनस वायर है उसको माइनस नेगेटिव के साथ, और जो रेड वाला है पॉजिटिव उसको हम पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा जो मॉड्यूल है ये ऑन हो गया है, इधर लाइट जल रहा है। उसके बाद हमने जो है पीवीसी शीट लगा के रखा था उसके ऊपर थोड़ा ग्लू लगाएंगे, और उसके बाद पावर बैंक मॉड्यूल को इधर से चिपका देंगे। तो अब हमारा पावर बैंक जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए, तो पहले हम जो कनेक्टर है इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो प्लग है इसको पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग इधर चार्जिंग जो है स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो इधर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए, उसके बाद मैं पावर बैंक को चार्ज करके दिखाया था। तो उसके लिए आप देख सकते हो इधर पावर बैंक मॉड्यूल में एक चार्जिंग पोर्ट है, तो हमने इसको इधर लगाया। तो आप देख सकते हो ये जो चार्ज है ये हो रहा है, देख सकते हो ये LED जो है ये इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर। और इधर एक लाइट भी है, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर ये जो स्विच है इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो लाइट जो है ऑन हो गया है, और ये स्विच को प्रेस करने पर ये लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑफ हो गया। चलिए, तो आप सोलर से इस पावर बैंक को चार्ज करके देखते हैं, ठीक है? तो चलिए।
तो भाई आप लोग देख सकते हो हमारा पावर बैंक जो हो वो चार्ज हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो इधर इसका लाइट जल रहा है, तो आप देख सकते हो इधर हमारी ये जो पावर बैंक है, आप देख सकते हो इधर आप लोग इधर देख सकते हो इधर ये लाइट जल रहा है, ये चार्ज हो रहा है पावर बैंक। तो उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इधर जो सोलर का जो बोर्ड है उसका लाइट जल रहा है, आप देख सकते हो इधर। और मैं इसको सोलर पैनल को कवर कर दूँ तो आप देख सकते हो, तो देख सकते हो जो सोलर पैनल है इसको मैंने हाथ से कवर कर दिया पूरा, तो इसलिए इसका जो आउटपुट है ये बंद हो गया। इसका लाइट आप देख सकते हो ये ऑफ हो गया है। तो चलिए मैं इसको हाथ को हटाता हूँ तो देखिए ये लाइट ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हो ये लाइट फिर से ऑन हो गया, और मैं जब भी इसमें हाथ देता हूँ तो देख सकते हो तो ये फिर से ऑफ हो गया, और मैं जब भी ये हाथ हटाता हूँ तो आप देख सकते हो लाइट जल रहा है, और ये देख सकते हो लाइट ऑफ हो गया। और जब भी मैं हाथ को हटाऊंगा तो देख सकते हो लाइट जो है ये जल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन है। और आपको अगर इस पावर बैंक के रिलेटेड या कुछ और प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, चलिए जय हिंद।